नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। आपके साथ मैं हूं देवेंद्र सिंह। जन्माष्टमी से पहले मथुरा पुलिस ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है, जिसे सुनकर आप भी खुश हो जाओगे। जी हां, जन्माष्टमी के दिन इरफान नाम बदलकर सामान बेच रहा था, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इरफान के साथ जमकर मारपीट की है और इरफान की दुकान को भी तोड़ दिया है। इस मामले को लेकर मथुरा के कोतवाली थाने में FIR दर्ज की जा चुकी है। FIR के मुताबिक डोसे की एक दुकान पर एक मुसलमान चलाता है, उसने अपनी दुकान का नाम श्रीनाथ रखा था। लोगों का गुस्सा इस बात को लेकर था कि उसने मुसलमान होने के बावजूद अपनी दुकान का नाम हिंदू के नाम पर रखा है और ऐसा क्यों किया है उसने। इस मामले को लेकर तोड़फोड़ और हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। FIR के मुताबिक 18 अगस्त को कुछ लोग इरफान के स्टॉल पर पहुंचे और पूछा कि उन्होंने इसका नाम श्रीनाथ क्यों रखा है। इसके बाद इन सब ने दुकान के बैनर को फाड़ दिया और वहां से हटा दिया। साथ ही इन सब ने इरफान को मथुरा के विकास मार्केट से दुकान हटाने की भी चेतावनी दे डाली। स्टॉल के मजदूरों ने कहा कि ये दुकान राहुल की है, इसे चलाने के लिए वह इरफान को रोजाना 400 रुपए देता है। स्टॉल चलाने वाले इरफान ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि हम पिछले 4 से 5 सालों से यह काम कर रहे हैं, नाम को लेकर कभी भी कोई समस्या नहीं हुई, हमने सोचा भी नहीं था कि काना की नगरी में हमारे साथ ऐसा हो जाएगा। इस पूरे मामले पर पुलिस अधिकारी DSP वरुण सिंह का क्या कुछ कहना है, आपको सुनाते हैं। थाना कोतवाली नगर जनपद मथुरा के विकास मार्केट से संबंधित एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा, जिसमें विकास मार्केट स्थित श्रीनाथ डोसा कॉर्नर नाम के एक दुकान पर उसके नामकरण को लेकर के कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग किया गया। इसकी सूचना प्राप्त होने पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। संबंधित दुकान के मालिक एवं वहां कार्य करने वाले सभी कर्मियों से पुलिस द्वारा उन अज्ञात व्यक्तियों के संबंध में पूछताछ की जा रही है। इस संबंध में अभी कोई लिखित शिकायत पुलिस को प्राप्त नहीं हुई है। संबंधित अज्ञात व्यक्तियों की जानकारी प्राप्त होते ही पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो सुना आपने, DSP साहब कह रहे हैं कि बदमाशों पर कार्रवाई की जा रही है। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर उसने नाम बदलकर सामान क्यों बेचा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और साथ ही भीड़ को कानून हाथ में लेने का अधिकार किसने लिया। फिलहाल के लिए बस इतना ही, आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।